हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब प्रोफाइल आपकी कैसी होगी। और जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यहाँ पर ये परमानेंट कमीशन है, रेगुलर आर्मी की तरह जॉब है, तो ये सारे डाउट्स देखिए आपको क्लियर हो जाएंगे। बट उससे पहले कहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। चलिए अगर हम तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो टेरिटोरियल आर्मी है इसको मैं एक सेकेंडरी फोर्स बोल सकता हूँ जो आपके रेगुलर आर्मी के बाद में आती है। इसलिए जो रेगुलर आर्मी की जो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल होती है और जो टेरिटोरियल आर्मी की जॉब प्रोफाइल होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफरेंट होता है क्योंकि देखिए टेरिटोरियल आर्मी जो है वो परमानेंट कमीशन नहीं है। पूरे ईयर में 2 से 3 मंथ के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर आर्मी में जाना होगा, वहाँ ट्रेनिंग में जाना होगा, जो भी चीज़ें होती है वो अटेंड करनी होंगी, बाकी पूरे ईयर में आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है और कैसे एग्ज़ाम होता है वो हम यहाँ पर पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए पूरे ईयर में टेरिटोरियल आर्मी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 बार होते हैं, ट्वाइस अ ईयर। आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं बट जो आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर रिटर्न होगा पेपर एंड पेन बेस्ड, दैट मीन्स ऑफलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, अब लैंग्वेज जो एग्ज़ाम का है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। ऑफिशियल वेबसाइट है jointterritorialarmy.gov.in जहाँ पर आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जो यहाँ पर सिलेक्शन का स्टेज होता है वो सिविलियंस के लिए अलग होता है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग होता है, तो वो भी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए एवरीवन, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम के डेट्स की बात करते हैं। देखिए पूरे ईयर की हम बात करें तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका मई में होता है। ठीक है, आप एप्लीकेशन मई में फिल कर सकते हैं। डेट अभी यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम बिल्कुल उसके लिए अलग से वीडियो आपके ज़रूर बनाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो एडमिट कार्ड देखिए जुलाई के आसपास आ जाएगा, एग्जाम भी आपका जुलाई में हो जाएगा और रिजल्ट भी देखिए जुलाई में ही आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम डेट। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ से आती है टेरिटोरियल आर्मी में। तो देखिए इन्फेंट्री बटालियन जो है, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स जो है, जनरल हॉस्पिटल की यूनिट्स हैं, होम एंड हेल्थ इन्फेंट्री है, एयर डिफेंस आर्टिलरी है, रेलवे इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना, इन जगहों से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज जो है टेरिटोरियल आर्मी में आती हैं। इसके बारे में देखिए तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सिटीजनशिप की बात करें तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद में जो एज लिमिट है वो 19 to 42 years। ठीक है एवरीवन, 19 से लेकर 42 years के बीच में आप एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन कहीं आपका हो गया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बॉडीली स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है वो फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको एज दिख रही है ना, अप टू 42 आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो जो पर्सन फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में देखिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिल करनी है, jointterritorialarmy.gov.in, यहाँ जाकर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 200 rupees इसकी फ़ी है जो आपको वहाँ पर ऑनलाइन पे करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर आप बहुत बढ़िया से फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अगर इसके बाद में है आपके एग्ज़ाम सेंटर। देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, कुछ सिलेक्टेड ही हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपके सामने लिस्ट रख दी है। जयपुर, नागपुर, सिलीगुड़ी, दीमापुर, हिसार, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, उधमपुर, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, शिमला, लखनऊ, श्रीनगर, चंडीगढ़ एंड जलंधर, इनमें से किसी भी एक जगह में जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम दे सकते हैं तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न भी तो हम डिस्कस कर लें कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर 2 पेपर यहाँ पर आपके होंगे। पहला जो पेपर है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथ्स का। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ्स दोनों ही आपके यहाँ पर 50-50 marks के होने वाले हैं। ठीक है, मतलब पेपर 1 का जो मार्क्स टोटल हो गया वो हो गया 100। अब पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 देखिए यहाँ पर होगा आपका जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, ये भी 50-50 marks के हैं, दैट मीन्स टोटल हो गया आपका पेपर 2 का मार्क्स 100। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए आपके यहाँ पर 200 marks, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके रिटर्न होते हैं वो 200 marks के होते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार। जो हमने यहाँ पर आपको बताया कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का होगा, इंग्लिश का होगा,
तो उसमें पढ़ना क्या है आपको, सिलेबस क्या है वो एक बार हम देखते हैं एवरीवन। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में हम यहाँ पर बात करें तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग तो आपको आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। अब लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में देखिए बहुत सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं, लाइक अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, सिलॉगिज्म, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपके लिख दिए गए हैं, स्टेटमेंट विद कंक्लूजन, ब्लड रिलेशंस हो गए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ठीक है, वर्बल क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल लेटर्स एंड सिंबल सीरीज, ठीक है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हो गया देखिए आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। इसके बाद में कहीं मैथ्स के सिलेबस की हम बात करें तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, ये कंप्लीट बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। एचसीएफ, एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ देखिए परसेंटेज भी आपका आ जाएगा, देन ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इक्वेशन, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट जनरल नॉलेज की हम बात करें तो यहाँ तो मैं आपके अलग से लिख देता हूँ कि स्टैटिक जीके तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है, जो यहाँ पर ऊपर टॉपिक दिए हैं वो तो पढ़ना ही है, बट उसके साथ में स्टैटिक जीके कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। कंट्रीज एंड कैपिटल, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट आपका आ जाएगा। साइंस में देखिएगा थोड़े क्वेश्चंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ना होगा, वो भी प्रिपेयर आपको करना होगा। अब इसके बाद देखते हैं इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर जो बेसिक ग्रामर होता है उसकी नॉलेज आपको है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। रीडिंग हैबिट है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कहीं आपके पास में है तो आप इंग्लिश बहुत बढ़िया से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, वोकैबुलरी हो गया, है ना, ये तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामर से हटके हो गया कि ग्रामर आपको आता है वो तो ठीक है, बट आपने यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी या फिर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना होगा, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, ये अलग से थोड़े आपको याद करने होंगे एवरीवन, ठीक है। ग्रामर में देखिए प्रीपोजिशंस हो गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, जंबल सेंटेंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है इंग्लिश में कंप्लीट। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका एवरीवन कि एग्जाम में, रिटन एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसके बाद में देखिएगा जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो भी आपका सेम उसी वेबसाइट में आएगा जहाँ से आपने फिल किया था एग्जाम फॉर्म, जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट इन, ठीक है एवरीवन। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो यहाँ पर अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, जब भी यहाँ पर हमको समझ में आएगा एनालिसिस के बाद में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर वीडियो आपके जरूर बनाएंगे। जैसे देखिए अलग अलग एग्जाम के हम अलग अलग वीडियो आपके बनाते हैं, वहाँ पे हम सारे डिटेल आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे अभी हम आपको नहीं बता रहे तो इसके हम अलग से बिल्कुल आपकी वीडियो बनाएंगे जब इसका एनालिसिस हम कंप्लीट कर लेंगे एवरीवन। अब नेक्स्ट देखिएगा जो सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिविलियंस के लिए देखते हैं जो यहाँ पर आर्मी में या फिर जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें से रिटायर्ड नहीं है उनके लिए है ये, सिविलियंस जो है उनके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिविलियंस के लिए है तो पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम है, जो रिटन का मैंने एग्जाम पैटर्न आपको बताया वैसे ही है, ठीक है। उसका स्टेज टू है आपका SSB इंटरव्यू और थर्ड है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए रिटन जो है उसमें ये हम बोल सकते हैं कि जैसे कट ऑफ की मैं बात कर रहा था तो कट ऑफ में देखिए कुछ मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लेकर आने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है the candidates need to qualify for the two written examination that is paper 1 and paper 2 with 40% in each section. 40% तो आप 40% तो आपको लेकर आना ही है, ठीक है, एंड टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 50%, ठीक है एवरीवन। ये आपको समझ में आ गया, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद ही आपको यहाँ पर इंटरव्यूज SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और SSB इंटरव्यू आप क्रैक कर लेते हैं तो नेक्स्ट होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पहला रिटन, देन सेकेंड इज SSB इंटरव्यू, ठीक है एवरीवन। अब इसके बाद कहीं मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इनका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली इनकी स्क्रीनिंग होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेज वन है आपका स्क्रीनिंग बाई आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। सेकेंड होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और थर्ड है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ये तीन स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो पहले से ही सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को, ठीक है एवरीवन। चलिए
आपकी है मेन सैलरी की बात। अब सैलरी देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं आप आर्मी एयरफोर्स या नेवी में परमानेंट कमीशन में हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट सैलरी आपकी नहीं है। आप एक टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते हैं तो जो बेसिक आपका रैंक होगा, सबसे पहला रैंक जो होगा वो होगा आपका लेफ्टिनेंट का, ठीक है। सैलरी भी देखा जाए तो 56,000 मिनिमम होगी और मैक्सिमम बोल सकते हैं 1.77 लाख तक। तो सैलरी देखा जाए तो ये डिफरेंट नहीं है रेगुलर आर्मी से। और थोड़े से मैं बोल सकता हूँ कि जो बेनिफिट्स होते हैं, जो पर्क्स होते हैं, वो थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो परमानेंट कमीशन में होते हैं उनको बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, वो शायद यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी को ना मिले, ठीक है एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और कोई भी एग्ज़ाम का आप डिटेल यहाँ पर कंप्लीट डिटेल का एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो आपके ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है एवरीवन। चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।